हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक और नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और भाई सुबह सुबह देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है सुबह से। अभी हम जा रहे हैं एक जगह मशरूम लेने के लिए, क्योंकि आज बनने वाला है घर में मटर मशरूम। भाई मजे आ जाएंगे, झमाझम प्रोग्राम हो जाएगा। ये तो मौसम इतना शानदार है, ऊपर से इतना मस्त खाना है, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और आज सारे काम निपटा देंगे, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे या फ्राइडे को हमें निकलना है लद्दाख के लिए, जिसके लिए आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं और उससे ज्यादा वेट कर रहे हैं हम लोग, और आपको मजा आ जाएगा। तो जी ये जो बारिश वाला मौसम है ना, इसे देखते ही दीपक के मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, झमाझम। तो आज मौसम है भाई झमाझम। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे, हमारे उमेक्स में एक फार्म बनाया हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनिक सब्जियां लगाई हुई है। तो दीदी ने बताया था कि यहाँ पे मशरूम भी मिलती है, तो जाके एक बार देखते हैं क्या हिसाब किताब है, उसके बाद हमें जिम जाना है। तो मशरूम एक बार घर पकड़ाएंगे, उसके बाद जाएंगे जिम। चलो फिर देखते हैं एक बार। भाई स्वीटी रख रखी है भैया ने, भैया हमें मशरूम दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, मशरूम देखते हैं एक बार। स्वीटी ज्यादा फ्रेंक मत हो जाए, कहीं पता लगे आज मेरे स्वागत कर दे। भाई थार खड़ी कर दी हमने यहाँ ना, खाएगी ना भाई, देख। तो ये मशरूम की खेती कर रहे हैं भैया फार्म में ही। इसमें एसी के अंदर रखना पड़ता है, कितने डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इसमें? इसमें भाई कम से कम चाहिए 16 डिग्री टेम्परेचर है। ये देखो कभी भी ले जाएंगे आप, हमें अभी के लिए दे दो आधी किलो। भाई मशरूम ही मशरूम, कूलिंग हो रही है अंदर, बेशक खाट लगा के सो जाओ अंदर ही। ये देखो बिल्कुल फ्रेश मशरूम है, साफ आफ करनी पड़ेगी। हाँ थोड़े वैसे कर लियो, वैसे सही। हाँ इतने इतने ठीक है जितने ये साइज है ना। खीरा और मशरूम के अलावा और क्या क्या चीज है अपने पास? मतलब लौकी है, तोरी है, पेठा है, अच्छा पुदीना है, अच्छा और पालक है, मेथी है, अच्छा बैंगन है, सारी सब्जी लगा रहे थे, सारी टमाटर है। पेट में दो है, एक ही पेट में दो वेरायटी के अमरूद, ये सफेद है, अच्छा ये व्हाइट वाले हैं, हाँ, और ये वाले हरे ज्यादा हैं, रेड कलर के निकलेंगे, अच्छा और ये हरे हैं जो पल्ली तरफ, ये चीकू तो हमने भी लगा रखा घर में, ये संतरे हैं, अच्छा अच्छा वो भी संतरे हैं। केचुआ खाद, इसमें केचुआ ही केचुआ मिलेंगे। अच्छा ये केचुआ खाद बना रहे हो? ये बिल्कुल ऐसे करके, अच्छा इसमें केचुए हैं, ठीक है। ये काओ डंग से भाई यहाँ बना रहे हैं खाद, और यहाँ पे केचुए की खाद, ये पड़ा ना अपना ही। हाँ चलो आएंगे कभी, वैसे आराम से करेंगे, अब तो लेट हो रहा हूँ जिम। हाँ। ये भाई गाय रख रखी है तीन, राठी है वो साहिवाल है, अच्छा राठी और साहिवाल। तो अभी दूध वगैरह भी दे रहे हो ना? ये तो अब फिलहाल आने वाली है, ये अपनी पर्सनल रख रखी है कि दूध भी पर्सनल, दे रहे? अच्छा पर्सनल अब कर रखी है। ये लौंग, ये क्या लौंग है? सुन के देखो, ये इसमें लौंग लगती है। अच्छा ये अंगूर की बेल है, झग्गे आते है पूरे, फूलों में खुशबू आ रही है भाई, पत्ते में से है, सेब है। अच्छा सेब का पेड़ है, सेब लग जाएगा यहाँ? सेब तो पहाड़ों पे लगे हैं, यहाँ कर दिया भाई, आते अभी छोटे छोटे, थोड़ा छाया में आ रहा, पेड़ों के बीच में आ रहा किसी से। ये सेब का पेड़ है, बाकी लग तो ऐसे रहा, शहतूत के पत्ते भी तो ऐसे होते हैं कुछ कुछ, वो अलग होते हैं, शहतूत भी आपको दिखा देता हूं। चाइनीज अमरूद है भैया दिखा रहे हैं, ये देखो ये ना अलग ही वैरायटी है, ये तो छोटे से भी ऐसे लग रहे हैं जैसे पक रहे हो, है ना? खाए के देखो, ये छोटे ही रहते दिखे ना, और बड़े हो जाते हैं थोड़े, उनमें वो हो गया, पक रहे हैं तो छोटे से भी पके नहीं है ये फुल। अच्छा हाँ। साइज बढ़ जाता होगा थोड़ा बहुत, इतने पर अमरूद इतना छोटा भी पका हुआ है। भैया हमें पूरा फार्म घुमा रहे हैं, वैसे तो हमें जिम जाना था पर कोई बात नहीं, एक बार देख लेते, फर्स्ट टाइम आए हम यहाँ पे। कोई मतलब ब्रीड पेड़ों की जो यहाँ ना हो, मतलब अंगूर से लेके सेब से लेके सेब तक भी लगा रखे हैं, जो मतलब पहाड़ों पे देखने को मिलते हैं। स्कॉर्पियो का पिकअप ट्रक है 4x2, पहले आता था ये, अब आता ही नहीं है, तो पहले 4x4 में भी आता था ये। अभी यार ओमैक्स से या पलवल से है, और किसी को अगर सब्जियाँ चाहिए ऑर्गेनिक तो यहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हो। ये ओमैक्स में जैसे ही आप एंटर करोगे ना फेज टू के गेट को क्रॉस करते ही राइट हैंड में आप मुड़ जाओगे, तो अंदर कोने में कोई बता देगा यहाँ पे फार्म हाउस कहाँ बना हुआ है, जहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलती हैं। धूप से बचाना पड़ा इसलिए लगा रखा है नेट। हाँ जी, ये सारी उसमें छाया में होती होंगी ना। पर भैया को भी मैंने सब्सक्राइब करवा दिया है। ये वाला गेट है फार्म का, और ये ओमैक्स सिटी के अंदर ही है। फेज टू के गेट से जैसे ही आप एंटर करोगे एंड में कॉर्नर में बिल्कुल ये यहाँ पे बना हुआ है, तो कभी भी आपको सब्जी लेनी हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है प्रॉपर, तो यहाँ पे भाई आपके सामने ही तोड़ेंगे और आपको जब उसके बाद देंगे, भाई मंडी में जाओगे आपको मिलेगी मतलब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सबकी मतलब इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ, पकाने तो के लिए यहाँ पे आपके सामने तोड़ेंगे और आपको देंगे भाई, और अभी ले जा रहे हैं हम मशरूम, और दोपहर को बनाएंगे और आपको दिखा देंगे कैसा बनाया। थैंक यू, ओके।
तो भाई सब्जी की सब्जी आ गई है, सब्सक्राइबर के सब्सक्राइबर मिल गया हमें। हम तो यहीं से लेते भाई। यार मंडी जाओ 100-150 का डीजल फूको और वहां भी पता नहीं क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे, कितनी बासी है कुछ है। यार अपने सामने ऑर्गेनिक फार्म है तुम्हारे सामने ही अपना मशरूम का, और उसमें से अपने हाथों से तोड़ लो भाई, और क्या करना चाहोगे इससे बढ़िया। इससे बेस्ट नहीं मिलेगी मेरे को लगता है, पलवल में तो मिलेगी नहीं भाई। आजादपुर मंडी है ना, मंडी वाले रेट है भाई, जेन्युइन रेट मैं कह रहा हूँ भाई। एक पैकेट ना ये आप जाओगे ना मार्केट में 50 रुपए का मिलेगा, और ये दोनों पैकेट हमें 70 रुपीज के मिले। हाँ दोनों पैकेट 70 के हैं। तो भाई मिलते हैं ब्रेक। सो गाइस अब जा रहे हैं हम फाइनली जिम करने के लिए, और टाइम देखो आज 9:50 हो चुके हैं। आज तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गई अपनी जिम, रनिंग मारेंगे और कार्डियो मारेंगे और फिर उसके बाद आ जाएंगे, क्योंकि संडे का दिन है और आज अपने को बहुत सारे काम करवाने हैं, तो इसलिए सिर्फ रनिंग और कार्डियो, वापस आ जाएंगे उसके बाद काम करवाएंगे। तो चलो फिर जिम चलते हैं, सीधा जिम में मिलते हैं, ठीक है गाइस। भाई बच्चे ले रहे हैं फुल ऑन मजे स्विमिंग पूल के, ये देखो मौसम इतना मस्त है, ऊपर से स्विमिंग पूल मिल जाए इतना बढ़िया है ना भाई। सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे, मैं एक बात बता देता हूँ यार, इसमें ना पानी रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे मान लो डेली 20-25 लीटर पानी कम होता है ना, जब बच्चे नहा के जाते हैं अपने आप पानी बढ़ जाता है उसमें। उसके बाद मतलब ये प्योरिफिकेशन भी हो रही है और पानी भी बढ़ रहा है भाई, ऑर्गेनिक वाटर है अब इसके अंदर, ऑर्गेनिक वाटर स्टोरेज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अपना घर से पी के आते हैं, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक यहाँ से मिल जाती है और सूसू करके यहीं पे ऑर्गेनिक छोड़ जाते हैं। तो भाई इस तरीके से फुल ऑन एंजॉय यार भाई, इसमें क्लोरीन डालते हैं पूरा प्रॉपर। हाँ मतलब ये मजाक करने की आदत होगी दीपक को थोड़ी सी। बाकी आओ यार सब लोग आओ, एंजॉय करो, क्योंकि वैकेशन चल रही है, समर वैकेशन चल रही है भाई, इससे बढ़िया टाइम कोई होगा नहीं। हाँ। के साथ पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं, अभी दिखा देते हैं चल के अंदर। चलो बाकी अपनी जिम आगे जिम करते हैं भाई। सो गाइज रनिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, कार्डियो की एक्सरसाइज चल रही है मेनली, अब एब्स की एक्सरसाइज मारेंगे एक दो मिक्स सेट लेके, फिर अपनी जिम को कंप्लीट कर देंगे। बाकी जिम में कोई नहीं है भाई, फुल ऑन मजा आता है जब जिम पूरी खाली होती है, आप किसी भी मशीन पर जाकर कर लो, कोई भी मशीन बिजी नहीं रहती, यही खासियत है वैसे ओमैक्स की जिम की। बाकी यहाँ पे सारे डंबल्स वगैरह भी हैं, सारा वेट है जितनी की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब दीपक देखो यहाँ पे अभी टहल भी रहा है, अभी थोड़ी देर पहले इसने क्रॉस ट्रेनर मारा और रनिंग मारी है। अब मैं भी एक दो सेट मारता हूँ डिप्स के, एक दो सेट मारता हूँ एब्स के, और फिर उसके बाद निकल लेंगे यहाँ से। और मौसम एक नंबर हो रहा है भाई आज, बट बारिश ना आ जाए, बारिश आ गई ना अपनी जो एक दो वीडियो शूट करनी है ना हमें, वो नहीं हो पाएंगे जो हमें ओपन ग्राउंड में करनी है। बाकी देखो चलो एक बार जिम कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 10:30 हो चुके हैं। ठीक है तो एक दो एप्स की एक्सरसाइज और एक दो सेट और मिक्स वाले मार के निकल घर चल रहे हैं। जिम होगी अपनी कंप्लीट। फादर्स डे स्पेशल है। हाँ पापा जी के लिए, अगर पापा जी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो भाई मेरी तरफ से मैं मैसेज देना चाहता हूँ पापा जी को, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंस्पिरेशन, फॉर ऑल द पॉजिटिव थॉट्स जो भी हमें आपसे मिलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं तभी हम कोई भी काम पॉजिटिवली कर पाते हैं और मन भी शांत रहता है, सब चीजें सही चलती हैं। कोई भी चीज करने जाओ ना, अगर आपका पॉजिटिव थॉट रहे तो आप सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट जाएंगी। तो वो पॉजिटिव थॉट्स के लिए, और पापा जी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं किसी भी सिचुएशन में। ये सब चीजें जो हम उनसे लर्न कर रहे हैं ना, अब तक करते हुए आ रहे हैं बचपन से लेके, ये बहुत बड़ी चीज है, और इस सब चीज के लिए थैंक यू सो मच। और वो सपोर्ट तो है ही, वो तो हमेशा रहेगा ही, वो प्यार जो हमें देते हैं। फादर्स डे पे मैं बता देता हूँ भाई, पता है क्या, हमारे पापा जी ने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया, क्योंकि ना हमारे पास गांव में हम रहते थे कुछ भी नहीं था यार, मतलब जैसे होता है ना मिट्टी का घर उस तरीके से था, एक छोटे से 2 कमरे का, बहुत ही बेसिक जो चीजें होती है ना वो थी हमारे पास। दादाजी ने बहुत मेहनत की है भाई, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, मतलब उस टाइम पे उन्होंने 10th पास की थी 12th पास की थी, उनका सर्टिफिकेट आज भी हमने मतलब घर में लगाया हुआ है भाई, मतलब बहुत बड़ी बात होती है उन्होंने जो किया। उसके बाद पापा जी ने उनसे इंस्पिरेशन ली, पापा जी ने इतनी मेहनत की अपने टाइम में, गांव में रहते थे जब लाइट भी नहीं होती थी, उस टाइम में पापा जी ने IAS का एग्जाम 3 बार क्रैक किया था, प्री और मेंस दोनों, पर क्या है ना इंटरव्यू में नहीं हो पाए थे क्योंकि यार उसमें भी पॉलिटिक्स, मतलब वो है यार पैसे की करप्शन था, तो उस चक्कर में नहीं हो पाए थे, कुछ हमारी जनरल कास्ट है वो भी है, तो उस चक्कर में नहीं हो पाए थे भाई। पर जो पापा जी बाबा बताते थे, पापा जी SD कॉलेज में पढ़ते थे, SD कॉलेज के बोर्ड में पापा जी का आज भी नाम है नेम प्लेट पे, जो टॉपर्स की लिस्ट में, और SD कॉलेज से लेके गांव तक 6 किलोमीटर पैदल जाते थे क्योंकि पैसे बचाने के लिए। बाबा पैसे देते थे, बाबा बताते थे, मैं उस टाइम पापा जी को 5 रुपए देता था, 5 रुपए पापा जी ऐसे के ऐसी जेब में रख के घर चले जाते थे, मतलब जो घर से लेकर आए भाई वही खाते थे। और मतलब इतनी मेहनत की है, इतना पैसा सेव किया है इस दिन तक पहुंचाने के लिए, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया। आज की डेट में भी पापा जी भाई बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, उनके मतलब हम 1% भी नहीं है, कोशिश करते हैं हो जाए, अगर 1% भी हम उनके आदर्शों पे चल पाए तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। बाकी यार जो भी भगवान का दिया हुआ है, मेहनत करते हैं तो मिलता है, और अपने आदर्शों को फॉलो करते हैं लोग। अपने पापा को फादर्स डे बोलो, फादर्स डे विश करो और स्पेशल डे उनको फील कराओ जी। अब एक काम करते हैं भाई, जिम अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब चलते हैं अंदर और कुछ खाने पीने का देखते हैं। और सुबह हम मशरूम लेके आए थे, वो शायद आपने अलग व्लॉग में देखा होगा या देख लोगे,
तो जाके एक बार टेस्ट करते हैं, अपना खाना वाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, उसके बाद दो तीन वीडियो शूट करने के लिए जाना है। वैसे तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, बाकी देखते हैं। चलो फिर अंदर चलो। बेटा अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में आ रहे हैं, अभी वोट डालने जा रहे हैं। दीपक मामू जा रहे हैं वोट डालने, चेक कर ले। आधार कार्ड से भी हो जाएगा, आधार कार्ड देगा अपना तू। सो गाइस गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी हो चुकी है यार, और हम जा रहे हैं वोट डालने के लिए मैं और दीपक। मेरे पास तो वोटर आईडी कार्ड है ही नहीं, मैं दीपक की बनी हुई है, पता हमें ये भी नहीं था कि दीपक की बनी हुई है नहीं। मम्मी पापा जी वोट डालने के लिए गए तो उन्होंने बताया पार्षद का इलेक्शन चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो वहीं जा रहे हैं हम दोनों। उसको वोट डालने वाला भाई, भाई ऐसा है देखो मार्केट में मेरी वैल्यू बहुत है, बहुत लोग मेरे पास फोन कर रहे हैं, कल रात से ही फोन कर रहे हैं, दिन में ही फोन आ रहे हैं, बेस्ट कैंडिडेट इसकी डालो उसकी डालो। भाई अब मैंने माइंड अपना मेकअप ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि कल तक मैं सोच रहा था मेरी यहाँ पे वोट नहीं है, मैं सोच रहा था पहले गांव में वोट है, पर अभी पता चला यहाँ पे वोट है। तो भाई मे द बेस्ट कैंडिडेट विन, मैं मेरे को जो सही लगा वो डालूंगा, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कौन किसकी वोट दे रहा है, माइंड में रखो भाई इसकी दे रहे, और जो अच्छा है जो अच्छा काम करेगा जो अच्छा काम करता है या फिर जो भी इन फ्यूचर जो भी जिसका भी होगा ना वो जीत जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सीधा जाएंगे भाई पोलिंग बूथ पे जो कि एचडी कॉलेज में। अब हम वैसे तो बहुत लेट है, 4:15 हो चुके हैं, 4:15 के 4:20 हो चुके हैं, तो हमें वैसे पहले पता ही नहीं थी भाई वोट हमारे यहाँ है, मतलब मेरी तो है ही नहीं दीपक। चलो फिर सीधा पोलिंग बूथ पे चलते हैं और वोट डालते हैं, पता नहीं। ये देखो भाई यहाँ पे भी वोट डाली जा रही है, स्वती है ये, यहाँ पे फुल ऑन भीड़ हुई पड़ी है और रोड खाली है, लोग सिर्फ वोट ही डाल रहे हैं ना दीपक। वोट पे संडे है ना, संडे है, वैसे भी संडे को नहीं मिलती है इतना कम लोग है नहीं ना, सब बूथ पे बैठे डालने गए, रोड पे कौन घूमेगा। एचडी कॉलेज डाल लिया ना अपनी वोट, एचडी कॉलेज हमारा वार्ड नंबर 18 पड़ता है भाई, शिव कॉलोनी प्रकाश विहार, हमारा पहला घर है। वोट डाल के तो हम आ गए और देखो घर में क्या पकवान बने हुए हैं, क्या चीज है भाई ये, टिक्की और इडली, क्या बात है, चटनी भी अलग अलग डिजाइन की बनाई है, ये पुदीने की चटनी है, नाइस। तो मतलब आज का संडे में कुछ अलग ही माहौल बनने वाला है, आज तो फादर्स डे भी है। चलो भी ये मीठी चटनी जिसमें खटाई वटाई डाल रखी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धनिया की चटनी और दही दे देना दही। चलो भाई हम खा लेते हैं, आप देख लो एंजॉय कर लो, देख के है ना।